फाइनल डिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम इस लेक्चर में वेरियस इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, एक्सरसाइजेस, इंटरनेशनल रिलेशन के वेरियस टॉपिक्स आदि के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्राई शक्ति प्रहार के बारे में। ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और CAPF तीनों ने मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में की। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। 22 किलोमीटर का छोटा पैसेज है ये पश्चिम बंगाल में। इस एक्सरसाइज में इन तीनों की फोर्सेस में ये देखा गया कि कितनी स्किल्ड हैं ये बैटल करने के लिए, बैटल रेडी हैं या नहीं। सिलीगुड़ी में ये तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट कराई गई। आगे जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, AIMPLB। हाल ही में इसने कहा है कि मुस्लिम वुमेन्स भी प्रेयर कर सकती है मॉस्क में, मस्जिदों में। AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ओपिनियन को लेकर एक लीडिंग बॉडी है जो 1973 में बनी थी। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि वेरियस जो लॉस है मुस्लिम्स के प्रति इंडिया में, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 जैसे, तो उनके लिए अच्छे से स्ट्रेटजीज प्रिपेयर की जा सके, इसलिए इसे बनाया गया था। देखिए, इसमें ना इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इंडिया के अहमदिया मुस्लिम्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें मुस्लिम कंसिडर नहीं किया जाता, तो उनको छोड़कर इस बोर्ड में हमें वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स के 51 उलेमास देखने मिलते हैं। साथ ही में इसमें 201 पर्संस की जनरल बॉडी भी उपस्थित है जिसमें 25 वुमेन्स भी देखने मिलती हैं। आगे जानते हैं धर्मा गार्जियन के बारे में। ये इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे जापान के शिगा प्रोविंस में कंडक्ट कराया गया। सबसे पहले 2018 में इंडिया में इसे प्रैक्टिस किया गया था। दोनों नेशंस की आर्मी में इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। अब इंडिया और जापान के मध्य जिमैक्स, सिन्यू मैत्री आदि एक्सरसाइज भी होती हैं। साथ ही मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, जापान के साथ साथ USA और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेवल वॉर गेमिंग एक्सरसाइज है ये। अब दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है नागपुर, महाराष्ट्र में। 90,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा ये। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। आगे जानते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 के बारे में। इसे US चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है। 55 ग्लोबल इकोनॉमी या कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है 50 यूनिक इंडिकेटर के माध्यम से। इसमें देखा जाता है कि कोई भी कंट्री अपने देश में इनोवेशन को कितना प्रमोट करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। तो पहला रैंक इसमें है USA का और इंडिया की रैंकिंग है 42nd। अब यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? तो किसी के माइंड का क्रिएशन होगा, कोई नया इन्वेंशन किया है किसी ने, पुराना लिटरेरी या आर्टिशियंस का वर्क होगा, डिजाइन, सिंबल, नेम, इमेज जो कि कॉमर्शियली यूज की जा सके, उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इन्वेंटर्स तथा क्रिएटर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत लीगल राइट प्रोवाइड किया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे आते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। हाल ही में इसने अपने 62nd सेशन को प्रिसाइड करने के लिए रुचित्रा कंबोज को इलेक्ट किया है। अब 1975 के बाद इंडिया पहली बार इस कमीशन को चेयर कर रहा है। इस बार की थीम थी फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू अचीव द ओवरआर्किंग गोल ऑफ पॉवर्टी एरेडिकेशन। मतलब हमने 2030 का जो एजेंडा डिसाइड किया था ना, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना है और वर्ल्ड से पॉवर्टी को हटाना है, उसके लिए सोशल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस में काम करके वेरियस पॉलिसीज को एक्सेलरेट करना है और उस पर प्रोग्रेस करना है। ये एजेंडा है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62nd सेशन का। अब इस कमीशन को 16 फरवरी 1946 में बनाया गया था। कोपेनहेगन डिक्लेरेशन इससे संबंधित है 1995 का। ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक पार्ट है। आगे जानते हैं सिंकुला टनल के बारे में। फरवरी में कैबिनेट ने इस टनल के निर्माण के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये लद्दाख से ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। BRO बनाएगा इसे 16,580 फीट ऊंचाई पर। वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा ये। लंबाई इसकी 4.1 किलोमीटर की होगी। ये एक प्रोजेक्ट योजक का पार्ट है। इसमें मनाली और लेह का रूट पूरे साल चालू रहेगा। ये हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को लद्दाख के जास्कर वैली से कनेक्ट करेगा। ये आर्मी मूवमेंट, सिविलियन मूवमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी पॉइंट पर आज का लेक्चर समाप्त होता है। चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।